यूपीएससी सीएसई परीक्षा एक ऐसी तपस्या है जहां लोग अक्सर एक सफलता के लिए तरस जाते हैं। कई बार वे बार बार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन फिर भी कुछ गलतियों की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन कुछ प्रियंक जैसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाते हैं। प्रियंक ने साल 2018 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा का पहला अटेम्प्ट दिया था और पहले प्रयास में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। उस समय प्रियंक की रैंक 274 थी जिससे उन्हें इंडियन अकाउंटेंट और ऑडिट सर्विस अलॉट हुई थी। प्रियंक अपने इस रैंक से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने साल 2019 में फिर से कोशिश की। इस साल उन्हें उनके मन मुताबिक सफलता मिली और 61वीं रैंक के साथ परीक्षा पास करने में वह सफल भी हुए। लेकिन इस सफलता के लिए प्रियंक ने कड़ी मेहनत की जिसके बाद ही उन्हें इस सफलता के स्वाद को चखने का मौका मिला। आइए जानते हैं आईएएस प्रियंक की संघर्ष से भरी सफलता की कहानी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए उनके सफलता के टिप्स के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। प्रियंक किशोर बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। प्रियंक की शुरुआती पढ़ाई जमशेदपुर से हुई। उन्होंने हाई स्कूल सेंट जेवियर्स और 12वीं सेंट जेवियर शामली से करने के बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। प्रियंक पढ़ने में शुरू से ही काफी तेज रहे हैं। प्रियंक को यूपीएससी की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। उनके पिता दरोगा थे और उन्हें आईपीएस और आईएएस के बारे में बताया करते थे। इन सब से प्रियंक के मन में एक लालसा यूपीएससी के प्रति रहती थी। प्रियंक ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी करने की सोची। उनका सपना कलेक्टर बनने का था जिसकी शुरुआत उन्होंने सेल्फ स्टडी पर फोकस करके की। अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की। साल 2018 में 22 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। अपने पहले ही अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से प्रियंक ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया जिससे उनको 274वीं रैंक मिली। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रियंक से एक गलती निबंध की तैयारी में हुई। वे परीक्षा से पहले निबंध लिखने की तैयारी के लिए किसी भी टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हुए थे। इसका सीधा असर निबंध लेखन पर पड़ा लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परीक्षा पास कर ली। इस रैंक के साथ प्रियंक को इंडियन अकाउंट और ऑडिट सर्विस मिली थी जिसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास करने का फैसला किया और तैयारियों में जुट गए। इस बार उन्होंने पहले अपनी गलतियों पर काम किया जिससे उन्हें उनके दूसरे प्रयास में सफलता हासिल हुई और उन्हें उनके पसंद की पोस्ट आईएएस मिल गई। अपने सफर के बारे में प्रियंक बताते हैं, मैंने कुछ चीजों में बदलाव किया और सबसे ज्यादा बदलाव मैंने अपनी रणनीति में किया। दूसरे प्रयास में मैं जरूर लकी रहा और आखिरकार यूपीएससी 2019 में मुझे 61वीं रैंक मिली। इस रैंक के साथ मैंने अपने बचपन का सपना पूरा करने में सफलता हासिल की थी। आखिरकार मुझे आईएएस मिल गया था। मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स बनाना भी एक बड़ा कारण था मेरी कामयाबी का। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए आईएएस प्रियंक ने दिए सफलता के टिप्स। नंबर 1, असफलता से सीख ले। प्रियंक मानते हैं कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, साथ ही जरूरी है पॉजिटिव अप्रोच रखना। जब प्रियंक को अपनी पसंद की रैंक नहीं मिली तो वह निराश नहीं हुए बल्कि इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उनके दिमाग में आया कि पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे। इसी पॉजिटिव सोच से वे आगे बढ़े और सेकंड अटेम्प्ट दिया। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में छोटी सी लकीर है, वह कभी भी पार ना करें। नंबर 2, प्री को दे महत्व। प्रियंक मानते हैं कि चाहे अटेम्प्ट किसी भी नंबर का हो, हर बार प्री को उतना ही महत्व दे क्योंकि यही अटक गए तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। अपनी दूसरी कोशिश में प्रियंक ने खूब रिवीजन किया और प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए ताकि समय के अंदर पेपर खत्म करना तो सीखा ही, साथ ही समय रहते अपनी कमियों पर भी काम कर सके। नंबर 3, कमियों पर करे फोकस। प्रियंक कहते हैं कि प्री देने के बाद वे मेंस की तैयारी करने लगे और पहले चरण में उन्होंने पिछले साल का स्कोर कार्ड उठाकर देखा कि कहां कमी रह गई थी।
वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके ऑप्शनल में अच्छे अंक नहीं आए थे। वे कहते हैं कि रैंक 274 से 61 पहुंचने में बहुत अंकों का अंतर नहीं था, मात्र 35 से 40 अंकों में यह अंतर पट गया था। ऐसे में उन्होंने पाया कि अगर ऑप्शन में थोड़ी और मेहनत की होती तो पहले ही अटेम्प्ट में रैंक और अच्छी आ जाती। इससे उन्होंने अपनी कमियों पर फोकस कर उससे सीख ली और दूसरे प्रयास में आईएएस के लिए चुने गए। नंबर 4, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जरूरी। प्रियंक मानते हैं कि मेंस में सफलता पाने का एक ही तरीका है कि जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, खूब मॉक टेस्ट दें और उत्तरों को लिख लिख कर देखें। केवल पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, असली लाभ के लिए आपको टेस्ट पेपर देने होंगे। इसके साथ ही पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। जब आप चीजों को सकारात्मक ढंग से लेते हैं तो परिणाम भी अपने आप ही सकारात्मक आने लगते हैं। नंबर 5, हमेशा रहे पॉजिटिव। प्रियंक कहते हैं कि कॉन्फिडेंट रहे, खूब मॉक टेस्ट दे और इन सभी टेस्ट को सीरियसली ले। केवल टेस्ट देने से ही बात खत्म नहीं होती, उन्हें एनालिसिस करें और देखें कि आप कहां गलती कर रहे हैं और गलती नहीं भी कर रहे हैं तो कहां इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंस लिखने के बाद प्रियंक ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, पर उन्हें विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी पूरी जर्नी के दौरान प्रियंक ने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी की, जिसका फल आखिर उन्हें मिल भी गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।